आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। 23 अप्रैल से शुरू हुआ पदकवीरों का प्रदर्शन अब लगातार उग्र होता जा रहा है। वहीं अब पहलवानों ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने सबको सकते में डाल दिया है। लेकिन उससे पहले 28 मई की घटना तो सबको याद होगी। पहलवानों ने जब नए संसद भवन से महज 3 किलोमीटर दूर जंतर मंतर से मार्च शुरू किया तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जमकर धक्का मुक्की हुई। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों को हिरासत तक में ले लिया गया, जिसके बाद पहलवानों ने साफ तौर पर कहा कि मेडल हमारी जान और शान है, इन्हें गंगा में प्रवाह करने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए मेडल प्रवाह करने के बाद हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। तो आज पदकवीरों ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल पदकवीरों ने आज साफ तौर पर यह कहा है कि वो हरिद्वार पहुंचकर अपने मेडल्स को और अपने जीत के उस औधे को, जो जीत का उनको तमगा मिला है, उसको अब वो गंगा नदी में प्रवाह कर देंगे, जिसके बाद जो सभी पदकवीर है वो आमरण अनशन पर इंडिया गेट के सामने बैठ जाएंगे। तो ये बड़ा ऐलान है और अब जो पहलवान है वो हरिद्वार के लिए रवाना भी हो चुके हैं। खबरों की माने तो जो पहलवान है वो तकरीबन शाम 6 बजे अपने जो मेडल्स है, जो अपने पदक है, उसे गंगा नदी में प्रवाह कर देंगे। तो गंगा में मेडल बहाएंगे आज पदकवीर। ये एक बड़ा ऐलान है जिसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से सबको सकते में डाल दिया और पहलवानों ने इसके बाद ऐलान किया है कि वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। और इस वक्त प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो 28 मई की है, जब इन्हीं पदकवीरों पर FIR दर्ज कर ली गई थी। बेहद ही बर्बरता के साथ इन्हें जेल में डाल दिया गया था और इन पर जब FIR दर्ज की गई तो अब पहलवान कहीं ना कहीं सबसे काफी ज्यादा उग्र नजर आए, जिसके बाद आज उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो अपने सभी मेडल्स को गंगा में प्रवाह कर देंगे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, आज पदकवीरों ने बड़ा ऐलान किया है कि वो हरिद्वार पहुंचकर अपने मेडल को प्रवाह कर देंगे, इस ऐलान को किस तरीके से देखा जाए? गौरव, निश्चित रूप से मुस्कान, ये पैगाम बहुत बड़ा पैगाम है और कहीं ना कहीं पैगाम के कई मायने हैं। जिस तरह से यहाँ पर देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां हैं और बेटे हैं वो संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर प्रशासन के नाक पर जू नहीं रेंगती है, सरकार सुनती नहीं है, केवल यहाँ पर FIR करके खाना पूर्ति की जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रश्न हमारी व्यवस्थाओं पर उठता है और शायद सरकारी व्यवस्थाओं पर भी उठता है, उस नारे पर भी उठता है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की यहाँ बात की गई थी, जहाँ पर नारी सुरक्षा की बात की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई मामला है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों देश के लिए मेडल जीतने वाले, देश के लिए मेहनत करने वाले, देश का नाम पूरे विश्व प्रदेश में उठाने वाले लोगों में सर अगर गलत होता है तो आम जनता की हम बात क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एक प्रवृत्तिशाली अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है तो कोई ना कोई संदेश यहाँ पर जाता है और ये संदेश आने वाले समय में और महत्वपूर्ण हो सकता है उसका, क्योंकि चुनाव भी पास में है। खाप बिरादरी से लोग आते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए BJP हमेशा ये बात करती आ रही है कि महिलाओं के लिए हम सम्मान की बात करते हैं, पर जिस तरह से जो 28 मई को घटित हुआ स्पष्ट करता है कि जहाँ एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा था, प्रधानमंत्री वहाँ पर एक दंड लिए हुए थे जिसको सेंगोल बोलते हैं और व्यवस्था की बात कर रहे थे, न्याय की बात कर रहे थे, तो वही दूसरी तरफ जिस तरह से पुलिस वहाँ पर बहुतापूर्ण रूप से उनको लेके जा रही थी स्पष्ट करता है कि अगर आप संविधान की अपनी बात कहेंगे तो उसमें भी अब आपको दिक्कत होने वाली है। कहीं ना कहीं यहाँ प्रश्न उठता है मुस्कान, यहाँ पर अगर कोई बात कही जा रही है तो संज्ञान बहुत जरूरी है। अगर मामला खराब है, गलत है, संदेहपूर्वक है, संदिग्ध है, वो बात की बात है, पर यहाँ पर कार्रवाई ना होना एक बड़ा प्रश्न उठाता है, कहीं ना कहीं जानबूझ के यहाँ पर किसी को बचाया जा रहा है। मुस्कान, बिल्कुल ठीक है गौरव, आज जिस तरीके से जो पदकवीरों ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो हरिद्वार पहुंच कर जो अपने मेडल है उसे गंगा में प्रवाह करेंगे, तो क्या पहलवान गौरव निकल चुके हैं दिल्ली से हरिद्वार के लिए और उन्होंने हरिद्वार को ही क्यों चुना? गौरव, देखिए उनका कहना यह था कि हमने बड़ी मेहनत से इस मेडल को जीते हैं और मेडल बड़े पवित्र हैं और हमने अपनी कड़ी धूप कड़ी मेहनत से हमने देश का नाम ऊंचा करते मेडल को हासिल किया था और इस मेडल चूंकि इतने पवित्र है, इतनी मेहनत से लिए लाए गए हैं, इसलिए इनको किसी पवित्र नदी में ही हम विसर्जित कराएंगे और गंगा माँ की गोद से बेहतर कोई यहाँ विकल्प नहीं है, इसलिए हम हरिद्वार जा रहे हैं, वहाँ पर
लगभग शाम को 6 बजे के बाद वहाँ पर मैदान प्रभात करेंगे। अभी मुस्कान जो जानकारी है अभी निकले नहीं है वहाँ पर, अभी जानकारी मिल रही है कुछ समय बाद निकलने की उम्मीद है, या हो सकता है इसके पहले कोई ऐसा फैसला आ जाए, या हो सकता है ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर हो जाए। पर जिस तरह से उनके बयान हैं, जिस तरह से उनका टीस है, उन्होंने कहा था जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ था वहाँ पर, जिसके खिलाफ उन्होंने वहाँ पर बजभूषण सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई की मांग करते रहे हैं, वो सफेद करते में फोटो खिंचा रहा था, वो दिखा रहा था कि तंत्र हम ही है, हम ही मजबूत है, जो हम चाहेंगे वो हो रहा है, तो वो फोटो उनको चुप रही थी। तो कह रही है जो बयान है मुस्कान वो भावनात्मक है, और बयान जब भावना से दिए जाते हैं, चाहे वो मेडल वापसी को लेकर हो, चाहे मेडल प्रभावित करने को लेकर हो, या फोटो से तीस की बात हो, यहाँ पर हर भावना से बात होती है, और हमारे देश में हम देखते हैं भावना सर्वोपरि मारी जाती है, और इसी के माध्यम से तमाम चीज़ें बताई जाती हैं, व्यवस्था की बात की जाती है, पर कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। और पहलवान यहाँ पर अगर मेडल प्रभावित करेंगे गंगा में, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात होगी, क्योंकि ये बिल्कुल गौरव, यूं तो अमूमन कहा जाता है कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान होता है, बच्चियों का सम्मान होता है, लेकिन दिल्ली वही स्थान है जहां पर बीते दिनों एक ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने देश को झकझोर दिया। तो वही 28 की ये तस्वीरें जो प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शक देख रहे हैं, जहां पदकवीर इस वक्त सड़कों पर मौजूद नजर आए, जिनके साथ बर्बरता की गई, जिन्हें जेल तक में डाल दिया गया। तो आखिर हमारे देश में बेटियों का अपमान क्यों हो रहा है, और आखिर देश कब तक सहेगा इसको? बिल्कुल मुस्कान, यहाँ बड़ा प्रश्न है कि कब तक सहेंगे। यहाँ पर अगर कोई बात अपनी सामान्य रूप से कह रहा है तो दिक्कत क्या है? अगर आप लोग उस पर काम देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है 18 जनवरी को पहली बार उन्होंने अनशन किया, उससे कुछ दिनों तक अनशन किया, कड़कड़ाती वहाँ पर जो ठंड होती है, कब कभी ठंड, दिल्ली की ठंड बहुत होती है, तो वहाँ पर उन्होंने अनशन किया। जब एक से निरपत्ते अनशन किए, उसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर उन्हें लगा कि शायद और हम कुछ हो सकता है कार्रवाई हो जाए, उन्होंने वेट किया। उसके बाद विगत 23 अप्रैल को फिर वो अनशन स्तर पर आए, उन्होंने अनशन करना शुरू किया, विगत 1 से 1.5 महीने से लगातार वो अनशन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखना चाहिए थी, और कहीं ना कहीं किसी को नजरअंदाज करना, किसी को इग्नोर करना, बेटियों की बात न सुनना, वो बेटियाँ, वो लोग जो आपके लिए मेडल लेके आए, स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आपको विचार करना होगा। और शायद इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपनी अपील के माध्यम से, मैं भी यहाँ पर अपील करूँगा कि आप संज्ञान लेना चाहिए। मामला क्या है? मामले में यहाँ पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अगर कार्रवाई की जद में बजभूषण सिंह आते हैं तो न्याय संहिता सबके लिए है, सब व्यवस्था सबके लिए है, MPML कोड भी बनाया गया है, पर यहाँ कार्रवाई के माध्यम से आप बता सकते हैं कि देश में न्याय सबके लिए है। पर अगर जिस तरह से यहाँ पर निश्चित रूप से उनको दरकिनार किया जा रहा है कि वो मेडल अपने प्रभावित करने के लिए तक के लिए जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न उठता है मुस्कान, व्यवस्थाओं पर भी, और शायद हमारे राजतंत्र पर और लोकतंत्र पर भी। बिल्कुल गौरव, जाहिर सी बात है ये प्रश्न उठना लाजमी है, लेकिन गौरव आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो पदकवीर है वो पहुंचेंगे हरिद्वार, अपने मेडल्स को प्रवाह करेंगे, तो क्या सारे जो प्रदर्शनकारी पहलवान हैं सभी जाएंगे, या फिर कुछ गिने चुने पहलवान ही जाएंगे अपने जो मेडल्स हैं उसको प्रवाह करने? अब देखिए मुस्कान, ये स्पष्ट नहीं हो पाया कितने लोग जाएंगे, पर जो खासतौर विनेश फोगाट की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, बजरंग पुनिया की बात करें, ये नाम तो महत्वपूर्ण रूप से है, क्योंकि यही नाम मुख्य रूप से यहाँ पर बात उठाते चले आ रहे हैं। अब कितने मेहमान पहलवान वहाँ पर जाएंगे, कितनों का साथ मिलेगा, क्योंकि मुस्कान देखिए एक मैं आप समझिए एक चीज यहाँ पर जरूर हो रही है, जिस तरह से हमारे पूर्व जो जो आप निशानेबाज की बात करें, अभिनव बिंद्रा की बात करें, वो भी इस मामले को लेकर दर्दित है। उन्होंने अभी ट्वीट किया था कि निश्चित रूप से मैं देखा हूँ तो मुझे भी इसमें दर्द हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये दर्द जो है आने वाले समय में एक लहर ना बन जाए जो कि सत्ताधारी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। मेरा मानना यह है कि अगर कोई मामला है तो उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, कार्रवाई की बात करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, जिससे उनको लगे कि हाँ यहाँ कार्रवाई हो रही है। और निश्चित रूप से अगर आप किसी को गलत फेवर करेंगे, किसी का गलत साथ देंगे, तो कहीं ना कहीं गलत संदेश समाज में जाएगा, वो संदेश आने वाले समय में नुकसान दे सकता है मुस्कान। और यहाँ पर 24 चुनाव हैं, यहाँ पर हर कदम पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ गलती किसी की भी हो, पर यहाँ पर स्पष्ट रूप से जिस तरह संघर्ष हो रहा है वो आने वाले समय में परिणाम लेकर जरूर आएगा मुस्कान। बिल्कुल धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए, तो आपने देखा कि जो पदकवीर है वो हरिद्वार की तरफ कूच करेंगे अब से महज थोड़ी ही देर में, और जहां पर वो गंगा में अपने मेडल को प्रवाह करेंगे, जिसके बाद सभी पदकवीर जो है वो आमरण अनशन पर भी बैठ जाएंगे, आमरण अनशन करते हुए भी नजर आएंगे। तो वहीं अयोध्या के सनबीम स्कूल में 10वीं की छात्रा की मौत का राज लगातार गहराता जा रहा है।
पुलिस ने स्कूल मैनेजर ब्रजेश यादव और गेम टीचर अभिषेक कनौजिया के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो में FIR दर्ज की है। घटना के कई दिन बीत चुके हैं लेकिन पुलिस ने ऑफिशियली अभी तक कोई जानकारी शेयर नहीं की है। लेकिन इसी बीच सनबीम स्कूल का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें छत से गिरने के बाद छात्रा को दो लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही वीडियो है जो इस वक्त अब सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें सनबीम स्कूल की वही छात्रा है जिसकी मौत की खबर है। लेकिन इस मामले पर फिलहाल पुलिस ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपना बयान नहीं दिया है। लेकिन ऑफिशियल बयान जारी नहीं करने के पहले ही ये एक नया वीडियो है जो अब सामने आया है जिसमें सनबीम जो स्कूल है वहां की छात्रा जब छत से गिरती है तो उसको दो लोग उठाते हुए भी नजर आते हैं। तो अब कहीं ना कहीं मासूम की मौत मिस्ट्री बनती जा रही है। ये वही वीडियो है जो अब सामने आया है जिसमें इस छात्रा को दो लोग उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, सनबीम हत्याकांड लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ये मौत कहीं ना कहीं अब मिस्ट्री भी बन चुका है। फिलहाल पुलिस ने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है लेकिन उसी बीच एक नया वीडियो जारी हुआ है जिसमें जो दो लोग हैं वो बच्चों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ये दो लोग कौन है? एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें लड़की के गिरने के बाद उसे एक व्यक्ति आता है, उठाता है, कंधे पे ले जाता है। उसके बाद उसके पीछे एक महिला आती है और महिला भी उसके पीछे भागती है। तो कहीं ना कहीं देखिए SIT जो है लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। कल दोपहर की बात है, कल दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक SIT ने 12 घंटे वहाँ पर जाँच की है और हर पहलुओं को जाँचा है। हर पहलुओं को जाँचने के बाद जो परिजन थे वो भी साथ में थे और कहीं ना कहीं देखिए SIT हर लोगों से पूछताछ कर रही है और तकरीबन घटना के इतने घंटे होने के बावजूद SIT तकरीबन 30 लोगों से पूछताछ अब तक कर चुकी है। उसके बाद जो परिजन हैं, परिजन कहीं ना कहीं देखिए संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं और जो अस्पताल प्रशासन है उसमें भी पूछताछ SIT ने की है। तो कहीं ना कहीं देखिए मामला बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि आज एक नया वीडियो सामने आया। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें केवल लड़की गिरते हुए नज़र आई है और जो आज वीडियो जारी हुआ है, आज जो वीडियो आया है उसमें लड़की को एक व्यक्ति आता है, कंधे पर उठाकर ले जाता है और कहीं ना कहीं बताया ये जा रहा है कि जो दो लोग हैं, एक महिला और एक जो पुरुष हैं, वो लोग स्कूल के कर्मी ही बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है जिसमें प्रिंसिपल भी है, मैनेजर भी है और गेम टीचर भी है। इनके खिलाफ पॉस्को एक्ट से लेकर गैंगस्टर की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है SIT। जी ठीक है सागर, जिस तरीके से लगातार SIT इस मामले को लेकर छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है और लगातार जो छात्र के परिजन है वो भी टीम के साथ मौजूद रहे, तो क्या इस पूरे जांच पड़ताल पे परिजनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है? क्या वो इस जांच से संतुष्ट दिख रहे हैं? देखिए परिजनों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई क्योंकि कहना के देखिए वो शोकाकुल अवस्था में है। और वहीं आपको बता दूं कि SIT को अपनी जांच के दौरान जो छात्रा का मोबाइल भी मिला है और चश्मा भी मिला है और कहने उसके बाद SIT ने तकरीबन 12 घंटे गहनता से जांच करने के बाद SIT सेकंड फ्लोर पर भी पहुंचती है और सेकंड फ्लोर पर उसे जूते के निशान और जूते से एक मट्टी जो होती है वहाँ पर मिली है। तो इसको भी पहलू बनाकर SIT लेकर चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रा केवल 1 घंटे स्कूल में रही, उसने प्रिंसिपल से 39 मिनट बात करी और 39 मिनट में क्या बातें हुई क्या बातें नहीं हुई। और इस पहलू से भी SIT जांच कर रही है कि कहीं छात्रा की हत्या करने के लिए या फिर उसे मौत खुदकुशी मनाने के लिए कहीं छात्रा को कॉल तो नहीं किया गया था क्योंकि 1 घंटे के दरमियान ही यह हादसा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन स्कूल बंद होता है और बंद होने के बावजूद भी जो परिजन है वो स्कूल भेजते हैं। उसके बाद परिजन लगातार शक के घेरे में स्कूल को लेते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है ये कि जब स्कूल बंद था तो छात्रा को क्यों बुलाया और 39 मिनट बात करने के बाद 1 घंटे के अंदर ये हादसा क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं देखिए मुस्कान, मान के चलिए ये जो पूरी पहली, ये जो पूरी सिनारी हो, ये क्यों के मामले में अटका हुआ है, पहलू बन के रखा और पहली बन के रखा रह गया है क्यों। और SIT का ये दावा है कि जो भी इस घटना से जुड़े लोग हैं बहुत जल्द SIT इसका खुलासा करेगी। जी ठीक है सागर, अगर हम एक दो पुराने केसेस का रुख करें तो जैसे कि CMS स्कूल में ही एक छात्र को थप्पड़ मार दिया जाता है और वही दिल्ली के ही एक स्कूल की वैन में जो बच्ची का लगातार एक साल तक शोषण किया जाता है, तो आखिर पेरेंट्स स्कूलों को सुरक्षित कैसे माने?
जी बहुत बेहतर सवाल है मुस्कान। देखिए सबसे बड़ी बात मैं हाल ही की रिसेंटली का केस बता दूं, लखनऊ का ही है, बीकेटी स्टेट एक एसआर ग्लोबल कॉलेज है, वहाँ पर छात्र संदिग्ध अवस्था में गिर जाती है, उसके बाद जो कॉलेज प्रशासन है, कॉलेज प्रबंधन है, वो टोल मोल जवाब देता है पुलिस को कि छात्र टहलने के दौरान गिरी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ ये आता है कि रीढ़ की हड्डी टूटी और पैर की हड्डी टूटी। तो ये अगर गिरने से होता है, और इस मामले में भी जो कॉलेज प्रबंधन था वो साफ साफ हमें जवाब ये दे रहा था कि ये छात्र जो है झूले से गिरी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वीडियो सामने आने के बाद सारी हकीकत सामने आ गई। तो आखिर ऐसा है क्यों जो स्कूल प्रबंधन इन सब चीज़ों को छुपाता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सच सामने आ ही जाता है, पुलिस उसे निकाल लेती है या फिर परिजन निकाल लेते हैं या फिर किसी तरह वो सच सामने आ जाता है। लेकिन दो मामलों में मैंने देखा, अभी हाल ही की बात है, 24 जनवरी की बात है, जिसमें प्रिया राठौर एक छात्रा थी उसकी मौत हो गई, और अब का मामला ये है कि इस छात्रा की मौत की वजह झूले से गिरने बताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जब मौत का जब वीडियो सामने आया तो सही आप सबके सामने सच आया, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए पेरेंट्स का एक डर बना हुआ, शायद ये डर आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए जब स्कूल जब छात्र जाता है या छात्रा जाती है तो प्रबंध जो परिजन है वो सोच के मानते हैं कि देखिए हमारा जो बच्चा होगा सेफ होगा, पढ़ाई करेगा, अच्छे माहौल में रहेगा, देखभाल की जाएगी। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो परिजनों के कहीं ना कहीं देखिए मानसिक दबाव बनता है, एक सोच बदलती है स्कूल प्रशासन के खिलाफ, कॉलेज के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सरकार को भी बहुत बेहतर तरीके से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मामला एक भविष्य से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, परिजनों से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही है तो कहाँ पर आखिर आपका बच्चा या फिर हमारा बिल्कुल सागर। अमूमन जब भी हमने ऐसे कोई केसेस देखे हैं तो उसमें ज्यादातर बच्चियां ही शिकार बनती है, चाहे वो प्रिया राठौर का केस हो, चाहे ये मौजूदा सनबीम स्कूल का केस हो, या चाहे फिर वो दिल्ली में जो बच्चे का शोषण ही क्यों ना हो रहा हो, तो आखिर जो बच्चियां हैं वही हर बार क्यों शिकार होती हैं, और उसके खिलाफ अभी तक कोई कानून आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है हमारे देश में। जी बिल्कुल, देखिए मुस्कान मेरी माने तो जहाँ तक मेरा मानना है कि देखिए इस पूरे मामले को लेकर जो भी इससे पूर्व में भी जो मामले हुए उसको लेकर सरकार द्वारा कानून पारित करना चाहिए, ताकि बच्चियों और बच्ची के परिजनों को या बच्चे हों या बच्चे को परिजनों को एक सुरक्षित माहौल उन्हें लग सके कि हाँ अब कानून बनने के बाद क्या पता कुछ बदलाव हो। लेकिन अभी तक फिलहाल सरकार ने इस तरह का कोई भी कानून का प्रावधान यहाँ पर लाया नहीं गया है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि शायद अगर ऐसे मामले बढ़ते रहे तो सरकार को बहुत जल्द कानून लाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले होने से पहले अगर ऐसे कानून आ जाते हैं बच्चियों के खिलाफ या बच्चों के लिए तो कहीं ना कहीं देखिए इन सब जो क्राइम है, जो क्राइम सीन होते हैं, उनमें रोकथाम होना संभव है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सागर इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो सनबीम के छात्रा हत्याकांड का अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें छात्रा को दो लोग उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं, और लगातार अब ये मिस्ट्री बन चुका है हत्याकांड कि आखिर किस वजह से इस छात्रा को मौत के घाट उतारा जाता है, क्योंकि जो स्कूल प्रशासन है वो लगातार ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस छात्र ने खुद ही छत से कूदकर सुसाइड किया है। तो वही अब इस पूरे मामले को लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज कांग्रेस मुख्यालय नेहरू भवन 10 मॉल एवेन्यू लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देंगे। वही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा जाएगा। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना समेत कई कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। तो आज कांग्रेस एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई भी नजर आएगी। वहीं इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों हम सभी ने देखा था कि 9 साल बेमिसाल के ही तर्ज पर जो कांग्रेस है उसने 9 साल और 9 सवाल खड़े किए थे, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो 9 सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा से पूछती हुई कांग्रेस नजर आएगी।
मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी आर के विश्वकर्मा का कार्यकाल खत्म होने में कुछ समय बाकी है, जिस पर अब सियासत गरमाई हुई है। रिटायरमेंट के बाद प्रदेश को क्या नया और स्थायी डीजीपी मिलेगा या फिर अस्थायी रूप से ही काम चलाया जाएगा? बता दें कि पुलिस महकमे का सबसे बड़ा बॉस बनने की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं। नए डीजीपी के लिए मुकुल गोयल, आनंद कुमार और विजय कुमार, आशीष गुप्ता, रेणुका मिश्रा, बीके मौर्य और एस एन सावत का भी नाम लाइन में है। सवालों के बीच मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी सरकार से सवाल पूछा कि क्या इस बार भी बीजेपी सरकार बिना उत्तरदायित्व और जवाबदेही वाला कार्यवाहक डीजीपी प्रदेश को देगी या कह देगी कि पद के उपयुक्त उम्मीदवार अभी तक फिलहाल नहीं मिला है। सपा प्रमुख ने कहा कि ऐसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदारी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो डीजीपी पर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से कई सवाल भी पूछा है कि क्या एक बार फिर से यूपी को कार्यवाहक डीजीपी दिया जाएगा या फिर एक परमानेंट नियुक्ति इस पद पर कर दी जाएगी। लेकिन इस बीच नए डीजीपी के नाम को लेकर लगातार कई नाम भी अब सामने आने लगे हैं। नए डीजीपी के लिए कवायद शुरू हो गई है कि आखिर नए डीजीपी के पद पर किसे काबिज किया जाए, क्योंकि कल 12 बजे तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे मौजूदा डीजीपी, जिसके लिए अब नए डीजीपी की तलाश लगातार जारी है। तो वही नए डीजीपी के नाम को लेकर अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जो भाजपा सरकार है उस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछते हुए कहा है कि जो शासन है वो जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भाग रही है, क्योंकि एक बार फिर से यूपी को कार्यवाहक डीजीपी मिलने की उम्मीद है। तो डीजीपी के नाम को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार से तमाम सवालिया निशान किए हैं। वही यूपी को फिर से मिलेगा कार्यवाहक डीजीपी, अखिलेश यादव ने ऐसे उम्मीद जताते हुए बीजेपी सरकार के साथ ही सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल करते हुए एक ट्वीट किया है, जो ट्वीट आप प्राइम टीवी के माध्यम से लगातार देख पा रहे होंगे। तो वही इस नए डीजीपी के रेस में कई नाम भी अब लगातार सामने आ रहे हैं कि आखिर कौन होगा यूपी का नया डीजीपी, क्योंकि कल यानी कि 31 मई को जो मौजूदा डीजीपी है वो अपना जो अपने सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी कि वो उनका कार्यकाल जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद अब यूपी को एक नया डीजीपी मिलेगा। तो कौन बनेगा नया डीजीपी और किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है, ये सवाल लगातार अब यूपी की जनता के जहन में चल रहा है, क्योंकि तमाम कई नाम सामने आए हैं जिसमें से अब एक नाम चुना जाएगा जो कि यूपी का नया डीजीपी होगा। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। कलीम, अब यूपी को एक नया डीजीपी मिलेगा, तो वही अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा कि क्या एक बार फिर से जो यूपी है उसको कार्यवाहक डीजीपी मिलेगा या फिर जो परमानेंट डीजीपी है वो यूपी को मिल जाएगा? कलीम, देखिए मुस्कान जी, इस मामले में हम आपको अगर बताना चाहेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से डीजीपी जो आर के विश्वकर्मा जी हैं उनका कार्यकाल कल समाप्त हो रहा है, तो इसको लेकर जिस तरीके से अब विपक्षी पार्टियां जो है डीजीपी को लेकर लगातार जिस तरीके से कवायद कर रही है, तो कहीं जो कार्यवाहक के डीजीपी की बात करें या फिर जो स्थायी डीजीपी की बात करें, तो इस रेस में कई जो है डीजीपी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से डीजीपी की जो रेस है उसमें एक एक्सपीरियंस यानी कि वरिष्ठ आईपीएसों को मौका मिलेगा, और जिसमें 89 या 90 या 91 के बैच के जो अधिकारी हैं उनको कार्यकाल दिया जाना है, क्योंकि इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि जो भी डीजीपी आएगा उसका कार्यकाल लंबा होना चाहिए और वो लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटा सके। लेकिन जिस तरीके से बात जो डीजीपी की सामने आ रही है, इसमें जो बात आ रही है सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की, मुकुल गोयल की, तो मुकुल गोयल को तो फिलहाल इसलिए चार्ज नहीं दिया जा सकता है क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है जब बीजेपी सरकार आई थी तो उस कार्यकाल के दौरान मुकुल गोयल को डीजीपी ने खुद ही डीजीपी के पद से
खुद ही सीएम योगी ने हटाया था क्योंकि उनके कार्यकाल से वो खुश नहीं थे। लेकिन अब उसके बाद अगर हम बात करें आनंद कुमार की, तो आनंद कुमार के मामले में भी कई ऐसे मामले हैं क्योंकि जिस तरीके से उनको जेल का चार्ज दिया गया था, तो जेलों के चार्जों को लेकर लगातार उनके ऊपर शिकायतें उठ रही थी और लगातार कई ऐसे मामले भी आए थे जिसको लेकर उनके खिलाफ जाँच के आदेश हुए थे। तो फिलहाल इस मामले में अगर बात की जाए आनंद कुमार की, तो उनको भी कहीं ना कहीं इसमें जो है मौका नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अगर तीसरी बात करें जो एक नाम सामने आ रहा है विजय कुमार भी जो डीजी रैंक की बात की जा रही है, उनके भी इसलिए दावेदारी पक्की नहीं की जा सकती है क्योंकि जो विजय कुमार हैं उनके खिलाफ भी विभागीय जांच जो है वो चल रही है। क्योंकि जो विभागीय जांच चल रही है तो जाहिर सी बात है तो उनको तो चार्ज मिलना मुश्किल ही होता है। लेकिन अब एक बड़ी बात लोकसभा चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से बात की जाए कि सरकार अपनी तरफ वोट भी खींचेगी, तो इसको लेकर एक बड़ा नाम सामने है वो है समीर एहसान, यानी कि जो मुस्लिम वोटिंग को लेकर कि अगर हमारा जो है जो मुखिया बैठेगा डीजीपी का वो अगर मुस्लिम होगा तो जाहिर सी बात है उसको लेकर के जो वोटिंग की दरें वो भी बढ़ेंगी। तो जिस तरीके से सेंट्रल में समीर एहसान की पोस्टिंग है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि समीर एहसान की भी दावेदारी पक्की हो सकती है। लेकिन अगर हम इसके बाद बात करें आशीष गुप्ता की, तो ये जो आशीष गुप्ता है फिलहाल आशीष गुप्ता को अभी तक कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं दिया गया है और ये डीजी वेटिंग की लिस्ट में लगातार चलते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से आशीष गुप्ता भी वेटिंग लिस्ट में, तो कहीं ना कहीं इनको भी चार्ज दिया जा सकता है। अब हम अगर इसके बाद की बात करें जो आदित्य मिश्रा है, अभी फिलहाल ये भी जो है सेंट्रल में ही तैनात है। इसके बाद हम पीवी रमा शास्त्री की जो बात करें वो भी बीएसएफ में अभी डीजी के पद पर कार्यरत हैं और सेवाएं दे रहे हैं। अगर हम इसके बाद बात करें संदीप सोलंके की, तो ये भी सेंट्रल में सीआरपीएफ में अपनी सेवा अभी तक दे रहे हैं। और दलजीत चौधरी की बात करें, जो दलजीत चौधरी का भी नाम अभी तक सामने आ रहा है, ये भी अभी तक सेंट्रल में अपनी सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इसमें एक बड़ी बात की जाए रेणुका मिश्रा की, तो रेणुका मिश्रा चल रहे हैं, लेकिन करीब वो दो मुख्य नाम जो इस वक्त सबसे ज्यादा इस रेस में आगे हैं। देखिए जिस तरीके से मुकुल गोयल और आनंद कुमार का जिस तरीके से नाम इस समय रेस में आगे चल रहा है, तो इस पर इसलिए उनकी दावेदारी मजबूत नहीं होती है क्योंकि मुकुल गोयल को खुद सीएम कार्यकाल में यानी कि बीजेपी का जो कार्यकाल आया था उस दौरान इनको पद से हटाया गया था। और इसके बाद जो बात आ रही है विजय कुमार की, तो विजय कुमार के खिलाफ फिलहाल विभागीय जांच खुद ही चल रही है, तो उनको तो चार्ज मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर इसमें एक मुख्य बात मुस्कान जी आपको बताएं, तो जो अभी उनसे निचले बैच के जो है जो आईपीएस अधिकारी जिनके नाम सामने आ रहे थे वो है डीजी स्पेशल प्रशांत कुमार और एसएन सावत, यानी कि जिनके पास एक जेल की सुरक्षा की बात की जाए और दूसरे के पास यूपी की कानून व्यवस्था की बात की जाए। क्योंकि जो डीजी स्पेशल प्रशांत कुमार है, इनकी दावेदारी इसलिए मजबूत होती है क्योंकि जिस तरीके से उनको एक तो स्पेशल डीजी का चार्ज दिया गया, जिस तरीके से भाजपा का कार्यकाल आया था उस दौरान प्रशांत कुमार को लगातार दो बार लॉ एंड ऑर्डर का भी चार्ज उनके हाथ में रहा है और लगातार जो कानून व्यवस्था की बात की जा रही है कानून व्यवस्था दुरुस्त की है, यानी कि जिस तरीके से बात की जाए जिस तरीके पहले अपराधों का श्रेणी बढ़ रहा था उसको लेकर लगातार इनके द्वारा कम किया गया और इनके कार्यकाल में लगातार जिस तरीके से कार्रवाइयां की गई, फिर चाहे वो रोहिंग्यों की बात की जाए, बदमाशों की कार्रवाई की जाए, या फिर एनकाउंटर की बात की जाए, या फिर जो एटीएस की बात की जाए, जो एटीएस में जो पीएफआई के लोग थे उनकी गिरफ्तारी की बात किया, इस तरीके से कई जो कार्य हैं उन पर अंकुश लगाया है। लेकिन एक बड़ी बात ये होगी कि अगर प्रशांत कुमार को चार्ज दिया जाएगा तो ये एक कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होगा। वो चैलेंज इसलिए होगा क्योंकि जिस तरीके से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं उनको अगर एक मौका ना देकर एक उनसे जूनियर को अगर मौका दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि प्रशांत कुमार इसलिए एक तरह से और साबित हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, आपको याद होगा तो लखीमपुर खीरी का तिकुनिया कांड, वो जिस तरीके से मामला बिगड़ा, उसके बाद कानपुर की जो घटना रही उसमें माहौल बिगड़ा, तो इन सभी मामलों को जिस तरीके से बड़ी सावधानी से प्रशांत कुमार ने शांत कराया और पूरी स्थिति को जिस तरीके से काबू पाया था, तो इन सभी चीज़ों को लेकर जिस तरीके से दावेदारी प्रशांत कुमार की भी मजबूत हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों को मौका ना देकर हो सकता हो इस बार प्रशांत कुमार को भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल उनका कार्यकाल लंबा भी है और जो मिलता है किसी सीनियर को या फिर किसी जूनियर को। लेकिन करीब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से हो सकता है यूपी को कार्यवाहक डीजीपी मिल जाए, तो क्या लग रहा है कलीम इस बार भी कार्यवाहक डीजीपी ही यूपी को मिलेगा?
देखिए मुस्कान जी, इस मामले में अभी जो बात की जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्योंकि लोकसभा जो चुनाव है उसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी डीजीपी पर होगी, तो कहीं ना कहीं जो इस बार जो डीजीपी नियुक्त किया जाएगा, चाहे वो कार्यवाहक हो या फिर स्थायी, क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग है उस वोटिंग को भी अपनी ओर खींचना होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार, जैसा कि आपको अगर थोड़ा सा हम पीछे ले जाएं कि जो अभी चुनाव आया था उस दौरान आरके विश्वकर्मा को जिस तरीके से डीजी का कार्य दिया गया था, तो कहीं ना कहीं वो वोटिंग को लेकर के था, तो कहीं ना कहीं इस बार भी वही कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा जो चुनाव है उसको लेकर जो वोटिंग भी पूरी तरीके से जो पहुंचनी है, तो उसको लेकर एक जो मुस्लिम वोट की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटिंग की बात की, तो जो समीर एहसान है हो सकता हो उनको भी चार्ज दिया जा सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रशांत कुमार है उनकी भी दावेदारी मजबूत हो रही है। तो फिलहाल ये एक दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं कार्यवाहक और स्थायी को लेकर, तो ये अभी कहना जल्दबाजी होगी कि आखिर किस तरीके का डीजीपी मिलता है। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि जो भी इस वक्त डीजीपी के रूप में उस सीट पर आएगा तो उसका कार्यकाल लंबा होगा, क्योंकि उसके ऊपर लोकसभा चुनाव की एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। बिल्कुल, धन्यवाद करीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो अब यूपी को एक नया डीजीपी मिलने वाला है, क्योंकि आरके विश्वकर्मा का कार्यकाल कल 12 बजे तक समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद अब तमाम कई नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं और ये वही नाम है जो हो सकता है कि यूपी के अगले डीजीपी बनाया जाए। तो कल 12 बजे हो सकता है कि यूपी को एक नया डीजीपी मिल जाए, क्योंकि आरके विश्वकर्मा का कल कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ऐसे में तमाम कई नाम है जो इस वक्त आगे चल रहा है, क्योंकि अब यूपी के डीजीपी के ऊपर कई अहम जिम्मेदारियां होंगी, क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में जो डीजीपी है वो बेहद ही सोच समझ कर घोषित किया जाएगा, ताकि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके और कहीं भी कोई हिंसा ना हो। इन्हीं सब तमाम चीजों को, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस बार यूपी को एक नया डीजीपी मिलेगा। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।